हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज हम फैमिली एंड रिलेटिव एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेकंड क्लास की बुक का, ये आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। द पेरेंट्स एंड डियर चिल्ड्रन मेक अ फैमिली। तो सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों, फैमिली होती क्या है। फैमिली वो होती है जो हमारे पेरेंट्स यानी कि हमारे मम्मी पापा एंड डियर चिल्ड्रन मेक अ फैमिली, यानी कि हमारे मम्मी पापा और हम परिवार। डिपेंडिंग अपन द मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली देयर आर थ्री टाइप ऑफ फैमिलीज, यानी कि ये जो है डिपेंड करता है फैमिली मेम्बर्स पर। फैमिली मेम्बर्स कितने हैं उसी अकॉर्डिंग हमारे फैमिली के टाइप्स होते हैं। फैमिली बच्चों हमारी कितने टाइप्स की होती है, देखिए स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। तो ये हमारी तीन तरह की फैमिली होती है, स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। सबसे पहले हम देखते हैं स्मॉल फैमिली किसे कहते हैं। अ फैमिली इन विच पेरेंट्स लिव विद वन और टू चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली बच्चों वो होती है जिसमें हमारे मम्मी पापा जो होते हैं, मम्मी पापा सिर्फ एक बच्चा या दो बच्चे के साथ रहते हैं, यानी कि सिर्फ मम्मी पापा होंगे हमारे मम्मी पापा। चलिए हम लिख कर आपको अच्छे से बता देते हैं, मम्मी एंड पापा, मम्मी एंड पापा एंड वन एंड वन और टू चिल्ड्रन। ओके, यानी कि मम्मी एंड पापा एंड वन और टू चिल्ड्रन जो होते हैं ये हमारे क्या बनाते हैं, ये हमारी स्मॉल फैमिली बनाते हैं। इसमें ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं होता, बहुत छोटा सा परिवार होता है, नाम ही है स्मॉल फैमिली। फिर बिग फैमिली में कौन कौन होता है, देखिए बिग फैमिली में अ फैमिली इन विच पेरेंट्स लिव विद मोर देन टू चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ बिग फैमिली, यानी कि जब हमारे पेरेंट्स हमारे मम्मी पापा कई एक बच्चे नहीं बल्कि बहुत सारे यानी कि लिव मोर देन टू चिल्ड्रन, दो बच्चों से अधिक बच्चे होते हैं जिस परिवार में, वो परिवार हमारा बिग फैमिली में आता है, यानी कि बिग परिवार बड़ा परिवार हमारा कहलाता है। फिर जॉइंट फैमिली किसे कहते हैं, अ फैमिली इन विच ग्रैंड पेरेंट्स, वो परिवार जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी जो होते हैं वो होंगे, पेरेंट्स मम्मी पापा होंगे, अंकल आंटी, अंकल आंट आपके चाची चाचा होंगे एंड कजिन्स, कजिन्स मतलब उनके बच्चे होंगे, लिव टुगेदर साथ में रहते हैं अंडर वन रूफ एक छत के नीचे इस कॉल्ड जॉइंट फैमिली, यानी कि मम्मी पापा, दादी दादा, चाची चाचा और कजिन्स जब एक साथ किसी एक घर में रहते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, जॉइंट फैमिली कहलाता है। ओके, तो आपने समझा फैमिली हमारी कितनी तरह की होती है, स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको दिखाते हैं जॉइंट फैमिली का। ये हमारी जॉइंट फैमिली है, जिस तरह से बच्चों हमारा पेड़ होता है, पेड़ में यानी कि ट्री होता है, ट्री में रूट्स होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, उसी तरह हमारे परिवार भी एक पेड़ है जो कि रूट्स और ब्रांचेस के थ्रू आगे बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है। तो देखिए सबसे पहले ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर यानी कि दादा दादी आते हैं, फिर उनके बच्चे यानी कि आपके चाचा और पापा आते हैं, फिर आप लोग आते हैं। तो इस तरह से ये परिवार जो होता है ये हमारा जॉइंट फैमिली यानी कि जॉइंट जिसको कहते हैं मिला जुला परिवार कहलाता है। तो देखिए सबसे पहले ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, आंट एंड अंकल, मम्मी पापा और आप लोग, जैसे पिंकी और छिंटू दो बच्चे हैं, फिर इनके जो चाचा चाची का बच्चा होगा वो इनका क्या क्या होगा, कज़िन होगा, क्या कहलाएगा, कज़िन कहलाएगा। ओके, तो ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल, आंट, मम्मी पापा, कज़िन एंड आप लोग। तो इस तरह से शायद आप इस एग्जाम्पल के थ्रू और इन पॉइंट्स के थ्रू अच्छे से समझ गए हों फैमिली और रिलेटिव्स का ये टॉपिक। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।